गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम विद आर इंग्लिश सेकेंड बुक। ये आपकी इंग्लिश सेकेंड की बुक है स्मार्ट ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन क्लास थर्ड, जिसके कि हमने टू चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए थे। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। इसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था पहले ही, लेकिन चलिए दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच यानी जो हम बोलते हैं, चाहे वो नेसेसरी हो चाहे अननेसेसरी हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच यानी कि जो बोल रहे हैं, तो बोलने वाले जो अलग अलग जो उसके पार्ट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, हजार से भी ज्यादा वर्ड्स हैं इंग्लिश में। ऑल दीज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू एट काइंड्स ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन द सेंटेंस। और इनके क्या है, एट काइंड्स, आठ पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया गया। इनके एट पार्ट्स हैं इनके, जो कि यूज में आते हैं सेंटेंस के अंदर। जो हम बोलते हैं तो वो बोल किस उससे पाते हैं, इनके तरीकों से, इनके यूज से हम हमारे शब्द बोल पाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यहाँ आप ट्री देख सकते हैं, ट्री में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ट्री है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो इसका मैं छोटा छोटा आपको एक समरी आपको बता देती हूँ इसकी, कि इसमें क्या है, मीनिंग क्या है। नाउन, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं सभी, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल, आंट, म्यूजियम, वल्चर, बुक एटसेट्रा। नेमिंग वर्ड जितने भी होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। किसी भी नाम यानी कि नाउन के प्लेस पर आने वाला जो शब्द होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एटसेट्रा। फिर आता है वर्ब, वर्ब इज अ सेम वर्ड, एग्जाम्पल, प्ले, बार्क, ईट, गो एटसेट्रा। वर्ब क्या है, एक वो वर्ड है जो कहता है किसी भी वस्तु के लिए, कोई भी व्यक्ति के लिए, किसी के लिए भी, नाउन के लिए कुछ कहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। फिर एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन्स एंड प्रोनाउन्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल, शाय, फैट, टॉल, वाइट, बिग एटसेट्रा। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है वर्ड को। ये क्या कहता है, नाउन और प्रोनाउन को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है, मतलब उसका वर्ड होता है, जो कि इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, इसके वर्ड्स होते हैं वो। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब टू टेल हाउ एन एक्शन इज डन। एग्जाम्पल, लाउडली, फास्ट, हाई, स्लो एटसेट्रा। अब एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो कि वर्ब के मीनिंग के अंदर एक्स्ट्रा मीनिंग जोड़ करके उस एक्शन को, किस तरह वो एक्शन हुआ उसके अंदर एक अलग से वर्ड को जोड़ करके एक नया उसको कहते हैं ना, उसको अर्थ दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब। प्रेपोजिशन वो होते हैं जो अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल, ऑन, इन, आफ्टर एटसेट्रा। प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं ताकि उसका रिलेशन किसी और नाउन और प्रोनाउन से जोड़ा जा सके। इसके एग्जाम्पल ये रहे, कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेज। एग्जाम्पल, बट, एंड, सो एटसेट्रा। कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ते हैं, चाहे वो एंड लगा के जोड़ें, चाहे बट लगा के जोड़ें, एज लगा के जोड़ें, कुछ भी लग सकता है उसमें। फिर इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ हार्ट। एग्जाम्पल, अलास, हुर्रा, आ, ओ एटसेट्रा। इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो एकदम से अचानक से आने वाली, जो दिल से आने वाली जो फीलिंग होती है ना, उनके जो शब्द होते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ये इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, तो चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। अब इसमें क्या है, इन्हें आप रीड करिए, इनके मीनिंग आपको पीछे बुक में, मतलब चैप्टर में दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको टिक करना है आपको। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये भी एग्जांपल्स आपको पीछे दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको इनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें मैच करना है। ओके, तो ये आप करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है द नाउन। नाउन अभी मैंने जैसे बताया आपको, नेमिंग वर्ड क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप लिखेंगे क्या है, ये बॉय, ये क्या है, मैंगो, ये क्या है, टेम्पल, ये क्या है, हॉर्स, ये कौन है, टीचर, डॉग, पैरट, फैन। अभी चारों आप अपने आप लिखेंगे क्या है ये चीज। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आप, नाउन्स जो है प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में बताया गया है। प्रॉपर नाउन यानी पर्टिकुलर एक
एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर उसी पर्सन की बात हो रही है, ग्रुप की बात नहीं हो रही है प्रॉपर नाउन के अंदर. सम नेमिंग वर्ड्स आर यूज्ड टू गिव अ स्पेसिफिक नेम टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. एग्जाम्पल, अनन्या, न्यू दिल्ली, फ्राइडे, मार्च, इंडिया गेट, एशिया एटसेट्रा, दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगन विद अ कैपिटल लेटर. तो अगर हम कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जो कि स्पेसिफिक नेम वाले होते हैं किसी पर्सन का, जैसे नेम हो गया, पर्टिकुलर उसी की बात हो रही है, प्लेस का हो गया, एनिमल का हो गया, थिंग का हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन का कैपिटल लेटर हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है. जैसे फ्राइडे का एफ कैपिटल, मार्च, इंडिया गेट, ये एक ही है पर्टिकुलर, अलग अलग तो है नहीं ऐसे कुछ, है ना, इस तरह से है. फिर है आपका, वी यूज प्रॉपर नाउन्स टू नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और आइडिया. कॉमन नाउन, वाइल अ पर्टिकुलर नेम इज अ प्रॉपर नाउन, अ जनरल नेम इज अ कॉमन नाउन. दस कॉमन नाउन्स नेम एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग एटसेट्रा. एग्जाम्पल, बॉय, सिटी, हॉर्स, कार एटसेट्रा. कॉमन नाउन्स डू नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. जिस तरह पर्टिकुलर नेम तो प्रॉपर नाउन है, उस तरह जनरल नेम आपका कॉमन नाउन है. जनरल नेम यानी किसी के भी बारे में बात हो गई, जैसे ये है, ये क्या है, ये बुक है, तो ये कॉमन नाउन हो गया. लेकिन अगर हम बात करें ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बुक ऑफ क्लास थर्ड, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ये इस तरह से होता है, ये एग्जाम्पल है. फाइन, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आता है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इनके. तो अब इसमें क्या करना है आपको, आर द कलर्ड वर्ड्स कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स. अब कलर्ड इसमें जितने भी हैं वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है. अगर प्रॉपर नाउन है तो पी लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, और कॉमन नाउन है तो आप सी लिखेंगे. इस तरह आपको करना है. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल जिन्हें आप गिन सकें, अनकाउंटेबल जिन्हें आप गिन नहीं सकें. इनकी गिनती होती है, इनकी गिनती नहीं होती है. जैसे द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड टू टेल देयर नंबर आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. एग्जाम्पल, बुक, सिटी, वॉच, गर्ल एटसेट्रा. द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड बट कैन टेल देयर क्वांटिटी आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. दे डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म. एग्जाम्पल, वॉटर, एयर, गोल्ड, कॉटन, हीट एटसेट्रा. तो वो नाउन जिन्हें आप गिन सकते हैं, उनके नंबर को गिन के बता सकते हैं, वो काउंटेबल है. जैसे बुक, सिटी, वॉच, गर्ल, इनको गिन सकते हैं. और वो नाउन जिन्हें आप गिन नहीं सकते लेकिन उनकी क्वांटिटी बता सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल होते हैं, वो प्लूरल में भी नहीं आते हैं. जैसे वाटर है, उनकी क्वांटिटी आप बता सकते हैं लेकिन आप ये नहीं बता सकते, उन्हें काउंट नहीं कर सकते. हवा को काउंट नहीं कर सकते, गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते, कॉटन नहीं हो सकती, हीट नहीं हो सकती. तो इस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो गए. अब इसकी एक्सरसाइज ले लीजिए. टिक करना है आपको इसमें एक आंसर पे, तो आप इसे रीड करिए, जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको टिक करना है. मैंने आपको बता ही दिए सारे. अब इसमें क्या करना है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. इन पिक्चर्स को देखिए, काउंट द नंबर ऑफ थिंग्स इन ईच पिक्चर. काउंट करना है इनको, एंड राइट द नंबर एंड द नेम ऑफ द थिंग्स इन द बॉक्सेस, पुट अ क्रॉस वेयर यू कैन नॉट काउंट देम. इसमें क्या करना है, पहले आपको काउंट करना है, काउंट करके वहां पर नंबर लिखना है. नंबर लिखने के बाद में उस थिंग का नाम भी आपको लिखना है, और जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सके उस पर आपको क्रॉस लगा देना है. जैसे इसे काउंट कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते, इसे कर सकते हैं, 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 इसे नहीं कर सकते आप, इसे कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते, इसे भी नहीं कर सकते, सॉरी मैंने गलत बता दिया, इसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते, इसे भी नहीं कर सकते काउंट. तो इस तरह से आपको फिल करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम सेपरेटली इन द टेबल गिवन बिलो. अब इनमें अंडरलाइन करना उन नाउन्स को इन सेंटेंसेस के अंदर, अंडरलाइन द नाउन्स. हाँ, अब इसमें क्या करना है आपको, नाउन्स को अंडरलाइन करना है बस, और कुछ भी नहीं करना. अंडरलाइन करके काम कीजिए, यहाँ पर आप उसको अलग से भी लिख लीजिए. ठीक है, तो इस तरह करना है. ये यहाँ पर आपको पिक्चर दे रखी है काउंटेबल और नॉन अनकाउंटेबल की, टेबल दे रखी है. तो आप यहाँ ना लिखे, आप ऐसा करिए यहाँ लिख लीजिए. तो काउंटेबल जिन्हें आप गिन सके उन्हें तो आप यहाँ लिखेंगे, और अनकाउंटेबल जिन्हें नहीं गिन सकते उन्हें आपको यहाँ लिखना है. फाइन, सो टेक केयर, बाय बाय एवरीवन. अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, इनके जो आंसर्स हैं जो बुक में कर सकते हैं वो तो सब बुक में तो कंप्लीट आपको करना ही करना है. और नोटबुक में वो चीज लिखी है जो आप इजीली लिख सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है. इजी वर्क आप नोटबुक में लिख सकते हैं, और बाकी बुक में तो सभी एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है. ओके, सो बाय बाय एवरीवन.